वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि लक्ष्मी फंस चुकी है सबसे बड़े जाल में और यहाँ पर ऋषि को भी मैनिपुलेट कर दिया गया है। ऋषि का मैनिपुलेशन इतना ज्यादा है कि अब यहाँ पर मलिष्का उसे अपने आप के कंट्रोल में लेने वाली है और उसके साथ साथ लक्ष्मी की वजह से अब यहाँ पर सारी परेशानियां आई है, ऐसा यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाएगा। लेकिन क्या सच में यहाँ पर अब पूरी तरह से लक्ष्मी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देगा ऋषि? क्या सच में अब यहाँ पर पूरी तरह से बदलने वाली है? अब आखिर में किसकी एंट्री होने वाली है शो के अंदर और क्या होगा अगला पड़ाव इस कहानी का? बताते हैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले जल्दी से आप सब एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाला एपिसोड आप सबके लिए एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाला है। अब कहानी को आप सब देखेंगे कि ये 6 साल के लीप की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ साथ कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ चुका है। जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी से इतना प्यार करता था, इतना ज्यादा यकीन करता था कि आखिर में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहीं इतना गंदा मैनिपुलेशन हुआ उसका कि आखिर में यहाँ पर लक्ष्मी को ही उसने मनहूस बुला दिया और उसके साथ साथ अपनी मनहूसियत को लेकर तुम दूर चली जाओ ऐसा कहा उसने। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में पूरी तरह से कहानी बदल चुकी है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी और ऋषि दोनों अब अलग हो जाएंगे। ऋषि के इतनी ज्यादा बुरी तरह से डांटने और कहने के बाद में लक्ष्मी अब यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। उसके मन में कई सारी बातें आएंगी, हालांकि उसको याददाश्त उसकी वापस आ चुकी है। वो मलिष्का को एक्सपोज कर सकती है कि आखिर में ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि मलिष्का ही है और उसी ने मलिष्का ने ही यहाँ पर मारने की कोशिश की थी ऋषि और लक्ष्मी को, लेकिन ऐसा वो करती नहीं है। यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब कहानी पूरी तरह से मुड़ जाएगी और आएगी पूरी तरह से 6 साल बाद की कहानी। अब ये कहानी कैसी होगी इसके बारे में बहुत जल्द ही एक लेटेस्ट प्रोमो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप सबको नई कहानी और एक नए किरदार से आपको मिलाया जाएगा। वो कोई और नहीं होगी बल्कि होगी यहाँ पर लक्ष्मी की बेटी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।